हेलो गाइस, मैं हूँ रिहाना। वेलकम टू माय चैनल फोरट्रान ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स के डाउट डिस्कस करने वाले हैं। जिस भी स्टूडेंट के जो भी डाउट्स होते हैं उनके लिए अब मैं स्पेशल वीडियो अपलोड करूँगी, ठीक है। तो इस स्टूडेंट का जो डाउट था वो फंक्शन से रिलेटेड कुछ डाउट थे जो मैंने फोर्थ चैप्टर में इंट्रिंसिक फंक्शंस आपको समझाए थे, उस फंक्शन से रिलेटेड इनके कुछ डाउट्स हैं। तो फर्स्ट डाउट पहले मैं समझा देती हूँ कि है क्या। फर्स्ट डाउट हमारा है एक फंक्शन के ऊपर, वो फंक्शन है निंट एंड इंट, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, निंट तो जो है उसका काम सिर्फ इतना है कि वो नियरेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करता है, नियरेस्ट इंटीजर। और इंट जो है उसका फ्रैक्शनल पार्ट रिमूव करके जो इंटीजर आता है वो देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने 2.5 लिया, ठीक है, इंट में अगर मैं 2.5 डालूँ तो उसका काम सिर्फ इतना है कि वो फ्रैक्शनल पार्ट रिमूव कर देगा तो आंसर क्या देगा, 2। लेकिन अगर मैं निंट में ये फंक्शन यूज़ करूँ, निंट 2.5, तो उसका काम क्या है, पहले 2.5 में 0.5 ऐड करेगा, कितना आएगा, 3.0। अब फ्रैक्शनल पार्ट रिमूव करके आंसर क्या आता है, 3, तो वो देगा। अगर मैं -2.5 निंट के अंदर डालती हूँ, नेगेटिव नंबर्स के लिए हम इसका यूज़ कैसे करते हैं, निंट के अंदर अगर मैं -2.5 डाल दूँ, मीन्स आर्ग्यूमेंट इसकी -2.5 दे दूँ, तो सबसे पहले वो क्या होगा, साइन को एक बार साइड में रख देगा, तो 2.5 के अंदर 0.5 ऐड करेगा तो क्या आएगा, 3.0। फिर इसके फ्रैक्शनल पार्ट को रिमूव करेगा तो क्या आएगा, 3। फिर जो साइन था उसका, आर्ग्यूमेंट का जो साइन था वो आंसर आने के बाद लगा देगा, तो अब इसका रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, -3। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, निंट हमारा नियरेस्ट इंटीजर के लिए हम यूज़ करते हैं और इंट हम यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट को डायरेक्ट रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है। और अब इनके आर्ग्यूमेंट्स देख लेते हैं, निंट और इंट। निंट में भी एक आर्ग्यूमेंट यूज़ होता है, इंट में भी एक आर्ग्यूमेंट यूज़ होता है, दोनों रियल टाइप के आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट का मतलब है कि उनके आर्ग्यूमेंट्स रियल होते हैं, और आउटपुट का मतलब होता है कि वो आउटपुट क्या देते हैं, दोनों इंटीजर आउटपुट देते हैं, रियल लेंगे और आउटपुट इंटीजर देंगे। आउटपुट का मीन्स आर्ग्यूमेंट पे फंक्शन अप्लाई होने के बाद वो रिजल्ट क्या देगा, ठीक है, क्लियर। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल आसान सा डिफरेंस है। नियरेस्ट इंटीजर के लिए हम निंट का यूज़ करते हैं, और सिंपल फ्रैक्शनल पार्ट को रिमूव करना है तो हम इंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट डाउट था डायमेंशन फंक्शन को लेके, तो डायमेंशन फंक्शन भी देख लेते हैं। तो डायमेंशन फंक्शन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है DIM और एक होता है IDIM। इसमें भी टू आर्ग्यूमेंट्स यूज़ होते हैं, इसमें भी टू आर्ग्यूमेंट यूज़ होते हैं। कैसे, देखो, जैसे मैं DIM डायमेंशन का लिख के दिखा रही हूँ, कैसे लिखने हैं आर्ग्यूमेंट्स, डायमेंशन आर्ग्यूमेंट 1 कोमा आर्ग्यूमेंट 2, ठीक है। ऐसे ही IDIM अगर हम लिखेंगे तो I बस आगे लगा देंगे, ठीक है। अब ये जो डायमेंशन फंक्शन है वो रियल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है, लेकिन IDM जो है वो इंटीजर आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है, और जो आउटपुट देगा डायमेंशन फंक्शन वो भी रियल देगा और IDM फंक्शन इंटीजर देगा। अब इसका मतलब, इस फंक्शन को इवेलुएट कैसे करते हैं, मतलब इसका काम क्या है। देखो, डायमेंशन फंक्शन में प्रॉब्लम थी, ठीक है, दोनों का काम सेम ही है, बस वो आर्ग्यूमेंट्स में डिफरेंस होता है कि वो रियल लेता है या इंटीजर लेता है। तो देखो, डायमेंशन फंक्शन जो है कैसे इवेलुएट होता है, हम दो आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं इसके लिए, आर्ग्यूमेंट 1 आर्ग्यूमेंट 2। आपकी बुक में इसमें क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है, आर्ग्यूमेंट 2 माइनस मिनिमम ऑफ
आर्ग्यूमेंट 1 कोमा आर्ग्यूमेंट 2, जो कि गलत है। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट 2 की जगह आप आर्ग्यूमेंट 1 कर लो। तो मैं आपको बताती हूँ इसका फॉर्मूला क्या है। आर्ग्यूमेंट 1 माइनस मिनिमम ऑफ आर्ग्यूमेंट 1 कोमा आर्ग्यूमेंट 2, ये पॉजिटिव डिफरेंस देगा, ये ध्यान रखना। और जो मैंने एक शॉर्ट वे बताया था वो क्या था कि अगर आप पहला आर्ग्यूमेंट 1 लेस देन इक्वल टू है आर्ग्यूमेंट 2 के, तो वो आंसर 0 देगा। और आर्ग्यूमेंट 1 अगर बड़ा है आर्ग्यूमेंट 2 से, तो उनका पॉजिटिव डिफरेंस देगा। ठीक है, अब इन्होंने एक एग्जांपल लेके मुझे बताया कि 5 और 3 का एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो इसमें है क्या, अब देखो, अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम करते हैं। एक हम लेंगे 5-3 का एग्जांपल जिसमें आर्ग्यूमेंट हमारा 1 है, जो है वो बड़ा है। एक हम एग्जांपल ले लेते हैं 3-5 का जिसमें आर्ग्यूमेंट 1 छोटा है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम जिसमें हमारा सेम है दोनों आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अब इस एग्जांपल में हमारा बड़ा है, तो हमारे शॉर्टकट के अकॉर्डिंग अब आर्ग्यूमेंट हमारा बड़ा है तो वो पॉजिटिव डिफरेंस देगा, मीन्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा आंसर 2 आना चाहिए। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आर्ग्यूमेंट 1 मीन्स 5 माइनस मिनिमम ऑफ आर्ग्यूमेंट 1 एंड 2, मिनिमम क्या है 3, तो क्या आ रहा है आंसर 2। ठीक है, मैच कर रहा है। ऐसे ही अब सेकेंड वाला देखो, इसमें क्या है आर्ग्यूमेंट छोटा है, फर्स्ट वाला जो आर्ग्यूमेंट है वो छोटा है आर्ग्यूमेंट 2 से, तो हमारे शॉर्टकट के अकॉर्डिंग आंसर 0 आना चाहिए। तो फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं, तो आर्ग्यूमेंट 1 मीन्स 3 माइनस मिनिमम ऑफ आर्ग्यूमेंट 1 कॉमा आर्ग्यूमेंट 2, मिनिमम क्या है 3, तो आंसर क्या आ गया 0, मैच कर गया। अब ऐसे हमारा अगर आर्ग्यूमेंट दोनों सेम है 3 एंड 3, यहाँ पर जो डायमेंशन फंक्शन है ना वो आर्ग्यूमेंट रियल लेता है, तो आप कभी भी उसके आर्ग्यूमेंट में इंटीजर मत इनपुट कराना। मैं यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल लेके बता रही हूँ कि कैसे ये फंक्शन इवेलुएट होता है, तो आप ये मत सोचना कि मैंने डायमेंशन में यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स इंटीजर लिया, तो इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, तो अब ये 3-3 था, दोनों आर्ग्यूमेंट सेम थे, शॉर्टकट के अकॉर्डिंग अगर दोनों इक्वल हैं तो 0 हो जाएगा। तो अब इसमें अप्लाई कर लेते हैं, आर्ग्यूमेंट 1 में क्या है 3 माइनस मिनिमम क्या है इन दोनों का 3 है, तो 3-3 क्या हो गया 0। अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर कोई और डाउट हो तो आप पूछ सकते हो दोबारा से। ठीक है, तो आपकी बुक में ये थोड़ी सी मिस्टेक है, तो आप वहाँ भी करेक्ट कर लेना, कहीं एग्ज़ाम में आप वहीं फिर गलत कर दो। तो नेक्स्ट डाउट था कि लॉगरिथम फंक्शन से रिलेटेड डाउट था। तो लॉगरिथम फंक्शन में हमारे दो टाइप के होते हैं, एक लॉग और एक होता है लॉग विद बेस 10। जो सिंपल लॉग होता है वो होता है नेचुरल लॉगरिथम, और ये होता है जिसका लॉग विद बेस 10। ठीक है, यहाँ पर x हमारा आर्ग्यूमेंट है, तो दोनों एक एक टाइप के आर्ग्यूमेंट लेते हैं, सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट लेते हैं, ये एक एक टाइप नहीं, मीन्स एक आर्ग्यूमेंट लेते हैं, और दोनों ही रियल आर्ग्यूमेंट लेंगे, इंटीजर नहीं लेंगे। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, इंटीजर नहीं लेंगे, रियल ही लेंगे और रियल ही आउटपुट देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो रियल लेता है फंक्शन उसको प्लीज़ रियल ही देना, इंटीजर मत देना, अदरवाइज एरर आ जाएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने एक फंक्शन, ये छोटा सा प्रोग्राम बनाया, ये रहा प्रोग्राम का नाम, ABC इम्प्लिसिट नन इंटीजर ले लिया A। तो लॉग फंक्शन मैंने यूज़ किया, उसका मैं आर्ग्यूमेंट इंटीजर दे रही हूँ, जैसे ही मैंने इंटीजर रीड कराया ना तो मेरे पास ये एरर आ गया, एरर था मेरी 5th लाइन में, मीन्स इस वाली लाइन में बी इक्वल टू लॉग ए वाली लाइन में। ठीक है, अब क्या एरर था कि जो मैं आर्ग्यूमेंट ले रही हूँ लॉग का, वो रियल या फिर कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, मीन्स मैं इंटीजर नहीं ले सकती। और सेकेंड डाउट क्या था कि अगर हम लॉग के अंदर नेगेटिव वैल्यू दे दें, रियल की नेगेटिव वैल्यू, पहली बात तो समझ में आ गई कि इंटीजर हम नहीं दे सकते। तो जो दूसरा डाउट था स्टूडेंट का, वो कहते हैं कि
नेगेटिव वैल्यू दे दे तो वो वैलिड क्यों नहीं होता। देखो नॉर्मल अगर हम अलजेब्रा में भी लॉग के अंदर अगर हम नेगेटिव वैल्यू इवेलुएट करें तो वो नहीं होता इवेलुएट, ठीक है, क्योंकि वो डिफाइन ही नहीं होता। तो यहाँ पर भी मैंने रियल ले लिया ए बी, अब जो मैं दे रही हूँ वो रियल ही दे रही हूँ, तो ऑब्वियस है वो रियल लेगा और रियल देगा, तो मैंने रियल दिया और मेरे को आंसर भी रियल आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू दे दी -3.0। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है मीन्स ये वैलिड नहीं है, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ऐसे स्क्वायर रूट फंक्शन अगर हम नेगेटिव वैल्यू का निकालना चाहें तो वो भी यही आउटपुट देगा जैसे कि लॉग फंक्शन दे रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका जो फंक्शन है इस वैल्यू पे वैलिड नहीं है। अगर आप रूल्स तोड़ रहे हो तो आपका एरर शो होगा, जैसे यहाँ पर है रूल्स क्या तोड़ा आपने कि आपको देनी थी रियल वैल्यू, आपने दी इंटीजर वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पर ये एरर शो करेगा, ठीक है। तो आई थिंक अभी डाउट क्लियर हो गया होगा। और तो कोई, तो इन छोटी छोटी बातों पे थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत होती है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है फोरट्रान के अंदर। और मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी कि आप कीवर्ड्स का यूज़, आप कीवर्ड्स का यूज़ कर सकते हो एज अ आइडेंटिफायर, आप यूज़ कर सकते हो, आपको वो एरर शो नहीं करेगा, लेकिन आप यूज़ मत ही करना, बिकॉज़ जो आंसर शीट आपकी चेक करेगा उसके लिए क्या पता वो कीवर्ड यूज़ ना करता हो। तो मोस्टली लैंग्वेजेस में क्या होता है कि हम कीवर्ड्स को एज एन आइडेंटिफायर यूज़ नहीं करते हैं। अगर आप यूज़ करते हो तो आपका एरर नहीं आएगा, लेकिन मेरी एडवाइस यही है कि आप यूज़ मत करना, बस आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि हम फोर्ट्रान के अंदर कीवर्ड्स एज एन आइडेंटिफायर यूज़ कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में बिल्कुल भी आप रिस्क मत लेना। एक और फंक्शन रह गया जिसमें डाउट था, वो था साइन फंक्शन, ठीक है, तो वो और देख लेते हैं, लास्ट डाउट है इनका। तो साइन फंक्शन हम लेते हैं, वो भी दो टाइप्स के होते हैं, साइन एंड आई साइन, ठीक है। तो इसमें भी हमारे दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, इसमें भी हमारे दो आर्ग्यूमेंट्स हैं। जो साइन फंक्शन है हम रियल आर्ग्यूमेंट्स लेंगे और रियल ही देंगे, और इसमें इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं और इंटीजर ही वो आउटपुट देता है। अब इसका काम क्या है, देखो अब मैं दो आर्ग्यूमेंट्स हैं तो आप ये मैंने लिख दिया, जैसे आई साइन में इनको दिक्कत आ रही थी या फिर साइन में, एक आई साइन का करके बता देती हूँ, आई साइन, ठीक है, आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2। इसका काम सिर्फ इतना है कि आर्ग्यूमेंट 2 का जो भी साइन होगा, मतलब जो भी अगर कॉन्स्टेंट है उसका जो भी साइन है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो इसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने 3 लिया और यहाँ पर मैंने -3 ले लिया, सिर्फ इसका काम क्या होगा, अब इसका साइन क्या है, नेगेटिव, तो वो इसको साइन दे देगा नेगेटिव का, तब ये -3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर एक और एग्जांपल ले ले, -3 और 3 ले ले, तो अब इसका साइन क्या है, पॉजिटिव, तो वो इसको साइन दे देगा पॉजिटिव का, नेगेटिव नहीं देगा, फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो भी सेकंड आर्ग्यूमेंट का साइन होगा वो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट को ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल कराया था जिसमें इस फंक्शन का यूज़ किया था कि हम नियरेस्ट इंटीजर कैसे निकालते हैं। तो आर हमारा रियल नंबर था, आर हमारे पास रियल नंबर था, इसका हमें क्या निकालना था, नियरेस्ट इंटीजर। तो देखो हम नियरेस्ट इंटीजर दो टाइप से निकाल सकते हैं, एक तो ऐसा हम निंट यूज़ कर दो, या फिर इंटीजर यूज़ करके, इंटीजर यूज़ करो जब हम 0.5 ऐड कर दें। देखो अब ये और क्लियर करते हैं, जैसे आर हमारे पास है 2.5 है, ठीक है, अब उसमें क्या था, मैंने ऐसे यूज़ किया था इंट एब्सोल्यूट ऑफ आर प्लस 0.5। तो स्टूडेंट का डाउट था कि मैम आपने इसको क्यों चूज़ किया है,
नियरेस्ट इंटीजर के लिए, निंट भी तो यूज़ कर सकते थे। डियर, निंट हम यूज़ कर सकते हैं, सीधा लिख दो निंट एब्सोल्यूट ऑफ आर। इसका काम सिर्फ क्या था, फ्रैक्शनल पार्ट रिमूव करना था, यही काम था ना, इंटीजर में कन्वर्ट करना था। तो यहाँ पर हमने 0.5 ऐड किया है, निंट का काम हम ये कर रहे हैं, हाफ लिख रहे हैं ना, 0.5 ऐड करने के बाद हमारा इंटीजर में कन्वर्ट होगा। देखो अब 2.5 है ना, 2.5 का एब्सोल्यूट हो जाएगा तो 2.5 रहेगा, उसके अंदर 0.5 ऐड कर देंगे तो 3.0, ठीक है। तो इंटीजर हम यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ 3। अब इसका काम क्या है, अब हमने सीधा ये लिखना है, एब्सोल्यूट ऑफ आर मीन्स 2.5, ये खुद 0.5 ऐड करेगा, फिर उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो रिमूव करेगा, फिर हमें जो इंटीजर बचेगा वो हमें देगा, ठीक है। या तो आप सीधा ये डायरेक्ट लिखो या फिर आप ये डायरेक्ट लिखो, दोनों सेम है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि हमने इसको क्यों यूज़ किया नियरेस्ट इंटीजर के लिए, यूज़ तो हम ये करते हैं, हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस निंट का हाफ काम हम यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर कर रहे हैं, 0.5 हम ऐड कर रहे हैं तब हमने ये इंट यूज़ किया है। अगर हम डायरेक्ट निंट यूज़ करते तो हमें 0.5 ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। आई थिंक स्टूडेंट के डाउट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, अगर फिर भी कोई डाउट पूछता है तो आप मुझे मेल करके बता सकते हैं, तो मैं और भी क्लियर कर दूँगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।